बांदीपुरा के पीडीपी उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष बांदीपुरा व डीडीसी सदस्य गनस्तान मोहम्मद ताहिर कादरी ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता फिर से पीडीपी में शामिल हो रहे हैं और पीडीपी हमेशा लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। बात अपने भेद की अब बोलता कोई नहीं, बात अपने भेद की अब बोलता कोई नहीं, मौजूद हूँ मैं हर जगह, पहचानता कोई नहीं, कौन हूँ मैं कौन हूँ मुझे जानता कोई नहीं, मौजूद हूँ मैं हर जगह मुझे पहचानता कोई नहीं। आप जम्मू कश्मीर का कोई भी कॉर्नर लीजिए, किसी भी गांव में जाइए, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद दोबारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रही है। जिस तरीके से हमारी पार्टी की लीडर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो हमारा एक मौकफ है, हम उस पर डटे हुए हैं, जो यहाँ के लोगों को इंसाफ देने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक सियासी नजरिया है, हम उस पर डटे हुए हैं और हमारी लीडरशिप भी उस पर डटी हुई है। लोग अब आहिस्ता आहिस्ता ये समझने पर तैयार हो रहे हैं कि अगर जिस तरीके से 2000 में यहाँ पर जो एक वो जंगल राज था, उससे अगर लोगों को किसी पार्टी ने, किसी लीडरशिप ने नजात दी थी, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी। और अगर 2024 में भी यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, जो यहाँ पर रोजगार के मसाइल हो रहे हैं, जो यहाँ पर महंगाई के मसाइल हो रहे हैं, अगर इससे कोई लीडरशिप, कोई पार्टी यहाँ के जम्मू कश्मीर के आवाम को नजात दिला सकती है, तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही होगी इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि हम हर जगह ईमानदार जो हमारे कैंडिडेट्स हो उनको खड़ा करें और वो लोगों को इंसाफ दे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो सियासी नजरिया है, जो हमारा सियासी मौकफ है, उसको ग्रास रूट लेवल पर लोगों तक पहुंचाना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। जी, अगर यहाँ पर यूएलबीज के इलेक्शन होते हैं तो हाजिन टाउन के लिए हमने पहले ही म्यूनसिपल चेयरमैन के लिए जो हमारा कैंडिडेट है, हमारे सीनियर मोस्ट वहाँ पर सब जोन प्रेजिडेंट है मुश्ताक अहमद परे साहब, बहुत ही ईमानदार हैं और लगभग 20 साल से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ वाबस्ता हैं। पार्टी की लीडरशिप के साथ सलाह मशवरा करके हमने हाजिन के आवाम को एक मौका दिया है कि वो पीडीपी को भी खिदमत करने का मौका दे। और इंशाल्लाह जिस तरीके से हाजिन म्यूनसिपलिटी में 13 वार्ड हैं, हर वार्ड में हम अपना कैंडिडेट उठाएंगे, उसी तरीके से सुंबल म्यूनसिपलिटी में भी हमारा इंशाल्लाह म्यूनसिपल चेयरमैन का कैंडिडेट भी पहले से ही अनाउंस होगा, और उसके अलावा जो भी वहां पर 13 काउंसलर्स हैं उनका भी इंशाल्लाह हम अगर इलेक्शन की कोई नोटिफिकेशन आती है तो बहसीयत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बहसीयत मोहम्मद ताहिर कादरी, मेरी कोशिश होगी कि पीडीपी यहां पर हर म्यूनसिपलिटी में इलेक्शन, हर म्यूनसिपलिटी वार्ड में इलेक्शन लड़े। और इसी तरीके से जो पंचायत का मामला है, अगर पीआरआईज का इलेक्शन होता है तो इंशाल्लाह हम हर पंचायत में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से सरपंच और जो पंचस के कैंडिडेट होंगे, इंशाल्लाह हमारी तैयारी चल रही है, हम हर पंचायत में लोगों के साथ रابطे में हैं। और मैं यहाँ पर लोगों तक आपकी वसातत से ये बात भी पहुँचाना चाहूँगा, ये जो एक माहौल बन गया है, जिस तरीके से आपने भी बात की कि कई एक जगह पर करप्शन के मामला सामने आ रहे हैं, तो इस ज़िमन में मैं वाजह कर देना चाहता हूँ कि बहसीयत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिस तरीके से हमारी लीडर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की ईमानदारी के चर्चे पूरे मुल्क में हो रहे हैं, और बहसीयत मोहम्मद ताहिर कादरी, मैं फितरी तौर पर रिश्वत के खिलाफ हूँ, और जो यहाँ पर वो कुछ सियासी जालसाज हर पंचायत में, हर गांव में 2-3 लोग होते हैं, और उसी तरीके से वो जो सियासी वडेरे, सियासी जालसाज जो हर पंचायत में 2-3 बंदे होते हैं, हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ना हम उनको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में कोई जगह देंगे। हमारी कोशिश होगी कि ईमानदार कैंडिडेट्स हो हमारी तरफ से, क्योंकि पंचायत के अब जो पंचायत का अब जो तमीर तरक्की के हवाले से रोल है, DDO पावर्स होते हैं एक सरपंच के, जो एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसे लोगों को सामने लाए जो लोगों को इंसाफ दे, जो खुद भी ईमानदार हो और गांव की तामीर तरक्की में भी ईमानदारी से काम करे।